बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 लिविंग थिंग इन द एनवायरनमेंट। और इसका आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 71 के ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टाइम हम लोग जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी बच्चे, वो है जी वो डिस्कस कर रही थी रिकॉर्डिंग द प्लांट लाइफ इन द हैबिटेट। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कलेक्टिंग स्मॉल एनिमल्स, यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को कलेक्ट करके उनसे उनके थ्रू वो इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन हासिल करना, वो किस वो वाला प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्मॉल एनिमल्स लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द हैबिटेट, यानी कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हर जगह पर रह होते हैं। ठीक है, ये इनके जिस तरह से देख लीजिए कि अगर हम लोग बेसिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इधर कुछ एनिमल्स होंगे जो कि बाकी कंट्री से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इन द लैंड हैबिटेट दे कैन बी फाउंड इन द सॉइल ऑन द सॉइल सरफेस एंड लीफ लेटर। अब जो अगर छोटे छोटे एनिमल्स की बात की जाए तो ये अगर हम लोगों को ज़मीन पे नज़र आते हैं रिंगते हुए, ठीक है जी, या फिर हम लोगों को ये लीफ लेटर्स यानी कि लीफ के अंदर से नज़र आते हैं, अमंग द लीफ ब्लेड्स एंड फ्लावर स्टेक्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स, यानी कि जड़ी बूटियों वाले प्लांट्स के अंदर हम लोग को ये एनिमल्स छोटे छोटे ज़्यादा नज़र आते हैं, एंड ऑन द ब्रांच ट्विंग्स एंड लीफ ऑफ द वुडी प्लांट्स। ठीक है जी, यानी कि हम लोग को ये वुड प्लांट्स के अंदर नज़र आते हैं। अब ये कलेक्ट कैसे किए जाते हैं? ये कलेक्ट स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू, स्पेशल मैथड इनके लिए, इनको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, कलेक्टिंग फ्रॉम सॉइल एंड लीफ लेटर्स। अब वो कह रहे हैं कि सॉइल से, लीफ लेटर से वो छोटे छोटे एनिमल्स को कैसे कलेक्ट किया जा सकते हैं। अटल ग्रीन फनल इज यूज टू कलेक्ट स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ सॉइल और अ लीफ लेटर। अटल ग्रीन यूज़ किया जाता है, ये एक इक्विपमेंट है जिसको हम लोग टल ग्रीन फनल कहते हैं। ये फनल लाइक ट्यूब होती है और इसके थ्रू हम लोग वो सैंपल ऑफ सॉइल को हम लोग कलेक्ट कर देते हैं। द सैंपल इज़ प्लेस्ड ऑन अ गेज अबव द फनल। अब सैंपल जो है ये लीफ लेटर है और इसको हम लोग गेज के ऊपर रख देंगे, गेज इसको हम लोग इस वाले चीज़ को हम लोग गेज कहते हैं। एंड अ बीकर ऑफ वाटर इज प्लेस्ड अबव द फनल, और जो बीकर ऑफ यानी कि बीकर ये इसको कहते हैं बीकर। ठीक है, इसको ये यानी कि ये गेज इस फनल के ऊपर रख दिया जाता है, अबव द फनल, एंड अ बीकर ऑफ वाटर इज प्लेस्ड बिलो द फनल। द लैम्प इज लोअर्ड ओवर सैंपल एंड स्विच ऑन। अब लैम्प ऊपर होता है इन सब मटेरियल के ऊपर ताकि वो सब चीज़ों को जूम करके दिखा रहा होता है, यानी कि वो फोकस रखा हुआ होता है। द लैम्प इज लोअर्ड ओवर द सैंपल एंड स्विच ऑन। द हीट ऑफ द लैम्प राइज ऑफ द सॉइल एंड लीफ लेटर एंड द एनिमल मूव डाउनवर्ड टू द मोर मॉइस्ट रीजन बिलो। फाइनली द एनिमल मूव आउट ऑफ द सैंपल एंड इन टू द फनल। द साइड्स ऑफ द फनल आर स्मूथ सो द एनिमल्स को लॉन्ट ग्रिप ऑन टू दैम एंड दे फॉल इन टू द वॉटर। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि जब ये लीफ लेटर है ना और ये गेज है, ठीक है, अब जब और ये फनल है, फनल के थ्रू जब हम ये वाला जो यहाँ से जो है ना, ये फ़ौरन के फ़ौरन जितने भी एनिमल्स होंगे छोटे छोटे वो पानी के अंदर चले जाएंगे और जो सॉइल होगी वो ऊपर रह जाएगी। ठीक है, तो पानी के अंदर छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो ग्रिप नहीं कर सकेंगे, तो हम लोग को वो एनिमल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अब सेकंड मेथड जो है वो है पिटफॉल ट्रैप। ठीक है, पिटफॉल ट्रैप किस तरह से होता है? द पिटफॉल ट्रैप इज यूज टू कलेक्ट स्मॉल एनिमल्स दैट मूव ओवर द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। अब ये पिटफॉल ट्रैप उन एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ग्राउंड की सर्फेस पर रहते हैं। अ होल इज डग इन टू द सॉइल टू होल्ड टू कंटेनर्स सच एज योगर्ट पॉट। जिस तरह से अब वो कह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, इनके गड्ढा बनाया जाता है और उसके बीच में ना इतना गड्ढा बनाया जाता है कि जिस तरह से एक दही का डब्बा होता है तो उतना डब्बा जितना ये सुराख बनाया जाता है, अराउंड वन इन साइड द अदर। द कंटेनर आर प्लेस्ड इन द होल। अब ये कंटेनर इस होल के अंदर रख दिया जाएगा, ये होल के अंदर रख दिया जाएगा, एंड द ग्रैप अराउंड दैम टू द रिम ऑफ द आउटर कंटेनर टू फिल्ड इन द सॉइल। ठीक है जी, अब ये इस तरह से करके रख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे योगर्ट पॉट है, ये ग्राउंड है, तो दो पत्थर इधर रख दिए जाएंगे और उसके ऊपर एक लकड़ी का
स्टेट लकड़ी रुकवुड रख दिया जाएगा. स्मॉल लीव्स आर प्लेस इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द फोर पेबल्स आर प्लेस इन द स्क्वेयर अराउंड द टॉप ऑफ द ट्रैप. अ पीस ऑफ वुड इज पुट ओवर द ट्रैप रेस्टिंग ऑन द पेबल्स. द वुड मेक्स आर रूफ टू कीप द रेन आउट ऑफ द आउट एंड हेज द कंटेनर फ्रॉम द प्रेडेटर. व्हेन अ स्मॉल एनिमल फॉल इन इट कांट क्लाइम द स्मूथ वॉल ऑफ द इनर कंटेनर एंड रिमेन इन द ट्रैप हाइडिंग अंडर द लीव्स अंटिल द ट्रैप इज एम्प्टीड. ठीक है जी. अब वो कह रहे हैं कि ये लीव है और ये सॉइल हम लोग मतलब योगर्ट बॉक्स के अंदर उन्होंने ये लीव और सॉइल रख दी. अब जब कोई भी एनिमल होगा वो इसके अंदर जाते ही जाके लीव के अंदर ट्रैप हो जाएगा और वो लीव के अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा. फिर वो बाद में पता चलता है मतलब क्लियर वाजी नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये देख लीजिए ये इस तरह से. और पेबल्स यूज़ क्यों किए गए यानी कि स्टोन्स क्यों यूज़ किए गए ताकि वुड को सहारा दिया जा सके. ठीक है जी. उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जो है वो ये मतलब ये दो मेथड हमने आपके साथ डिस्कस कर लीजिए कर लिया आपके साथ. ठीक है जी. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं स्विफ्ट नेट पर. स्विफ्ट नेट क्या है. द स्विफ्ट नेट इज़ यूज टू कलेक्ट स्मॉल एनिमल्स फॉर फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावर स्टेम ऑफ हार्बिशियस प्लांट यानी कि जो जड़ी बूटियों वाले जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर से वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको निकालने के लिए हम लोग स्विफ्ट नेट का इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली ग्रासेस खास तौर पर ग्रासेस के अंदर यानी घास के अंदर जो होते हैं वो. The lower edge of the net should be held tightly forward and the upper edge to scoop up the animals as the net is swept through the plant. After one or two swept, the mouth of the net should be closed by hand and the content emptied to the large plastic jar where the animals can be identified. यानी कि ये देखिए ना दो तीन हम लोग दो तीन मतलब ग्रास के अंदर यूं यूं करेंगे यूं यूं फेरेंगे इस नेट को जो आगे लगी हुई होती है. उसके बाद फिर जो एनिमल जो छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे ना वो फौरन ही इसके अंदर आ जाएंगे और आपने फौरन ही यहाँ से बंद कर लेना. इस तरह से जिस तरह से अगर हम लोग मच्छर पकड़े होते हैं तो हम लोग यूं फौरन ही कर लेते होते हैं मच्छर पकड़ते हैं तो ये इस तरह से करके और जो होंगे जो इंसेक्ट्स के अंदर जमा हो जाएंगे उनको आप लोग जार में डाल दें तो वो अलहदा आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है जी. आज के लिए बस इतना ही. आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जैसे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुँचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.